नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S21 versus Xiaomi Mi 11i 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो S21 में 5.97 इंच जबकि Mi 11i 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो S21 में 2.8 इंच जबकि Mi 11i 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो S21 में 0.31 इंच जबकि Mi 11i 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि S21 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो S21 में 171 ग्राम जबकि Mi 11i 5G में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि S21 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो S21 में डायनामिक AMOLED जबकि Mi 11i 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो S21 में 6.2 इंचेस जबकि Mi 11i 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो S21 में 85.92% जबकि Mi 11i 5G में 86.27% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो S21 में 424 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Mi 11i 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो S21 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 11i 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो S21 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 11i 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो S21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Mi 11i 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो S21 में Mali G78MP14 जबकि Mi 11i 5G में Mali G68MC4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो S21 में Samsung Exynos 2100 और Mi 11i 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T मिलता है। बात करें RAM की तो S21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB की RAM मिलती है जबकि Mi 11i 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो S21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Mi 11i 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो S21 में नहीं है जबकि Mi 11i 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी S21 में 4000mAh जबकि Mi 11i 5G में 5160mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो S21 में 3 कलर्स जबकि Mi 11i 5G में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की, तो S21 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 66,470 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 87,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें MI11i5G की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 55,690 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 26,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स, यानी कि फायदे और नुकसान की, तो सैमसंग गैलेक्सी S21 में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi MI11i5G की, तो उसमें 8 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में S21 आगे है, मेन कैमरा में MI11i5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में S21 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Vivo X60 Pro है, दूसरा OnePlus 9R है, तीसरा Samsung Galaxy S21 FE5G है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें, तो उसमें Xiaomi MI11T Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।